राहुल गांधी इन दिनों विपक्ष के नेता के तौर पर पहले अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल लगातार पीएम मोदी और बीजेपी सहित के मुद्दों पर बयान देकर सुर्खियों में। इसी बीच अब सिखों के ऊपर उनके नए बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत में सिखों के बारे में अपनी टिप्पणी दोहराने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासन में ही दिल्ली में 1984 के दंगों के दौरान 3000 सिख मारे गए थे। आरपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गईं, उनके बाल काट दिए गए और दाढ़ी मुंडवा दी गई। राहुल गांधी ये नहीं कहते कि ये तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूँ कि वो भारत में सिखों के बारे में जो कह रहे हैं उसे दोहराएं और फिर मैं उनका खिलाफ केस दर्ज करूंगा और उन्हें अदालत तक घसीटूंगा। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि वे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने वर्जिनिया में कहा कि सबसे पहले आपको ये समझाना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं, लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। लड़ाई इसी बारे में है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। आइए आपको सुनाते हैं मनोज तिवारी और मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या कहा। क्या आपने कभी सुना कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन साहब ये जब जब विपक्ष में रहे किसी और देश में जाने के बाद कभी अमेरिका की बुराई की, अपने देश की बुराई की? कभी नहीं। लेकिन ये राहुल गांधी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी बिना जाने देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस को बिना जाने झूठ बरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू हैं, ये वो जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी सत्ता से दूर रह के वो जा नहीं रही है। और अक्सर जब राजघराने में कोई पैदा होता है और राज सत्ता चली जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ना, पॉलिटिकल बैटल अपने देश में लड़ी जाती है, विदेश की धरती पे नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। राहुल गांधी जी ने आज अमेरिका में सिखों के प्रति बहुत ही नफरत भरी और भद्दे किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत में आज इस बात की लड़ाई है कि सिख दस्तार पहन पाएगा या नहीं, वो कड़ा ककार पहन पाएगा या नहीं और वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने ज़करिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सपने पाले थे, हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज भी यदि है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक विपक्षी नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी विदेशी देश सरकार में हमला नहीं किया। चौहान ने कहा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और ये एक पद जिम्मेदारी वाला होता है। लगातार तीसरी बार हारने के कारण उनके मन में भाजपा विरोधी, आरएसएस विरोधी और मोदी विरोधी भावनाएं घर कर गई। वो लगातार देश की छवि खराब करने की कोशिश में लगे। देश की छवि खराब करने एक देशद्रोह के बराबर है। संविधान पर हमला किसने किया? आपातकाल किसने लगाया? वे भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि भारत के साथ जुड़े पा रहे हैं या भारत के लोगों के साथ। आइए आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे कई मामलों में। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने
देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है कि उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। भंडारी ने कहा कि आज अगर किसी डर है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। कांग्रेस में जब कोई महिला कास्टिंग काउच के बात करती है तो उसे पार्टी सस्पेंड कर देती है। आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता डरे हुए हैं क्योंकि इस हाईकमान या तो बलात्कारियों को बचा रहा है या फिर बलात्कार के आरोपियों के साथ खड़ा है। आज कांग्रेस पार्टी डरी हुई है कि उनका झूठ बाहर आ जाएगा। लोगों ने 2014-2019 में पीएम के नेतृत्व वाली बीजेपी और 2024 में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को चुना। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से हार चुके हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।